दोस्तों कहते हैं जब अपना घर दुरुस्त ना हो तो दूसरों के आशियाने पर गलत मंशा नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा ने जिस तरह अपना रवैया अपनाया है, वही रवैया अगर भारत उसके क्यूबेक इलाके को लेकर अपना ले तो पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगेगा। क्यूबेक लोकेटेड है कनाडा के नॉर्थ में। यहां पर पॉपुलेशन रहती है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की। जब कनाडा फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करता था तब फ्रेंच लोग और उनका कल्चर यहां पर आया था। क्यूबेक की इंडिपेंडेंस को लेकर दो बार कनाडा में रेफरेंडम हो चुका है। पहली वोटिंग हुई थी 1992 में, फिर उसके बाद 1995 में। तब यहाँ पर 49.4% लोगों ने वोट किया क्यूबेक को एक अलग देश बनाने के लिए, जबकि 50.6 लोगों ने इस प्लान को खारिज कर दिया। महज 1% के अंतर से कनाडा टूटने से बाल बाल बचा। लेकिन इसी साल के नए डेटा के अकॉर्डिंग क्यूबेक को एक नया देश बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए बीजेपी लीडर जय पांडा ने कहा है कि जिस तरह कनाडा खालिस्तान के मुद्दे को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है और टेररिस्ट को अपने यहाँ बना देता है, भारत को भी क्यूबेक की इंडिपेंडेंस वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में बताएं।